तो तमाम चर्चाना अंत साथे ईशुदान गढ़वी हवे द्वारकाना जाम खंभाळियाथी चूंटणी लड़वा जई रह्या छे। अरविंद केजरीवाले ट्वीट द्वारा जाहेरात करी छे, आपना सीएम नो चेहरो ईशुदान गढ़वी जाम खंभाळियाथी लड़वाना छे। तमाम अटकळोनो जे अंत आव्यो छे खंभाळिया बैठक पर भाजपे मूळ बेराने उतार्या छे, तो खंभाळिया बैठक पर कांग्रेस द्वारा विक्रम माडम ने उतारवामां आव्या छे। जे तमाम अटकळो चाली रही हती तेनो हवे अंत आव्यो छे। आम आदमी पार्टी ना मुख्यमंत्री नो चेहरो ईशुदान गढ़वी जाम खंभाळियानी बैठक पर थी लड़शे। केजरीवाल द्वारा ट्वीट करी आजे जानकारी हती ते आपवामां आवी छे। एक तरफ गुजरात विधानसभा चूंटणीनी तारीखोनी जाहेरात थई चूकी छे, चूंटणीने आड़े हवे गणतरीना दिवसो ज बाकी छे, त्यारे तमाम राजकीय पक्षो तबक्कावार उमेदवारोना नाम जाहेर करी रह्या छे। आम आदमी पार्टीए जाहेर करेला सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वीने जाम खंभाळिया बैठक परथी चूंटणीना मैदाने उतार्या छे। अरविंद केजरीवाले आ मामले ट्वीट करी जानकारी आपी छे। महत्वनुं छे के थोड़ा दिवस अगाउ मीडियामां एवा समाचारो वहेता थया हता के आम आदमी पार्टी ना मुख्यमंत्री चेहरा एवा ईशुदान गढ़वी द्वारका थी चूंटणी लड़शे। तमाम अटकड़ो नो आजे अंत आव्यो छे। आम आदमी पार्टी द्वारा अत्यार सुधीमां उमेदवारोनी 15 यादी जाहेर करवामां आवी। आम आदमी पार्टी ना मुख्यमंत्री चेहरा एवा ईशुदान गढ़वी हवे जाम खंभाळियाथी लड़वा जई रह्या छे। आ बैठक परथी भाजप द्वारा मुळुभाई बहेराने टिकिट आपवामां आवी छे, ज्यारे कांग्रेस पक्ष तरफथी विक्रम माडमने चूंटणीना मैदानमां उतार्या छे। महत्वनुं छे के आम आदमी पार्टी गुजरात आपना मुख्यमंत्री पदना उम्मीदवार तरीके तेमनो चेहरो छे ते जाहेर कर्यो छे। तो आपना राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्लीना सीएम अरविंद केजरीवाले गुजरातना सीएम पदना चेहरा पर अंतिम जे मोहर छे ते मारी छे। आम आदमी पार्टी द्वारा ईशुदान माटे द्वारका अने खंभाळिया बैठक पर जे सर्वे हतो ते करवामां आव्यो हतो। आ सर्वे मां ईशुदान गढ़वीनी तरफेणमां खंभाळियाना समीकरणो जे जोवा हता ते मळी रह्या हता। मुख्यमंत्री पदनो चेहरो जाहेर करवा माटे व्हाट्सएप पोल करावयो। ईशुदान गढ़वीने 73% मत मळता ईशुदान गढ़वीने आपे सीएम पदना उमेदवार जाहेर कर्या। आ अगाउ पण आम आदमी पार्टीना प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालियाने सूरतनी कतारगाम बैठक परथी, ज्यारे प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठियाने करंज बैठक परथी जे ઉતારવામાં હતા તે આવ્યા હતા। જે રીતે ગુજરાતના રાજકારણને લઈ અત્યારે મહત્વના જે પ્રમાણે સમાચાર મળી રહ્યા છે કે અરવિંદ કેજરીવાલે ટ્વીટ કરી જે માહિતી હતી તે આપી હતી, ઉલ્લેખનીય છે કે આમ આદમી પાર્ટીના સીએમ પદનો ચહેરો છે ઈશુદાન ગઢવી, કે જેઓ હવે જામ ખંભાળિયાની બેઠક પરથી લડવા જઈ રહ્યા છે। તો ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી પણ મૂળભાઈ બહેરાને ઉતારવામાં આવ્યા છે, તો વિક્રમ માડમને કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી ચૂંટણીના જે મેદાન છે તેમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે। ઈશુદાન ગઢવી આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી પદનો જે ચહેરો છે તે કહી શકાય છે। અરવિંદ કેજરીવાલે આજે મામલે ટ્વીટ કરી જે જાણકારી હતી તે આપી હતી।